खड़ा है। एक मां ते एक बच्चा एक कमरे दे विच सुते हुए सन। अद्धी क रात का समा सी। एक कमरे दे विच खड़ाक हुंदा, बच्चे की अख खुल जाती है, सामने एक रूह खलोती हुंदी है। पुछता, भाई तू कौन है? कहिंदी है, मैं ओ आत्मा वां जिहड़ी मैं तेरी मां नूं लैण वास्ते आई हां। मैं तेरी मां नूं लै जाणा। बच्चे दे सुनदिआं सारी कलेजे दा रोग भरिया गया। बच्चे नूं पता लग गया मेरी मां ने मर जाणा। बच्चे दे कलेजे दा रोग भरिया गया ते उस रूह नूं कहिंदा कहिंदा मेरे नाल इक फैसला कर ला, मेरी मां नूं छड्ड जा ते मैनूं लै जा। बच्चे ने जदों इह गल उस रूह नूं कही कि मेरी मां नूं छड्ड जा ते मैनूं लै जा, ते उस रूह ने अगों जवाब दिता, पुत्र लैण ते मैं तैनूं ही आया सी, पर तेरी मां ने सौदा पहला कर लिया। क्योंकि मां ते ठंडी छां हुंदी है, मां ते आखर मां हुंदी है। मां दा रुतबा सब तो उच्चा, रब दे वांगू सच्चा सुच्चा। भुख लगे ते दुध पियावे, लोहड़ियां दे दे चुप करावे, घुट घुट छाती दे नाल लावे, जन वध के प्यार जतावे। इन्नी अंदर तांग हुंदी है, मां ते ठंडी छां हुंदी है, मां ते आखर मां हुंदी है। लखां चाचियां ताईयां होवन, भैणां ते भरजाईयां होवन, धी नूं डोली पावन लग्या, पुत नूं घोड़ी चाढ़न लग्या, सिर तों पाणी वारन लग्या, टौर सब दी तां हुंदी है जे विच दिसदी मां हुंदी है। मां ते ठंडी छां हुंदी है, मां ते आखर मां हुंदी है। मां दी जगह कोई लै नहीं सकदा, मां वांगू कोई कह नहीं सकदा। आजा बीबे पुत्रा नहाला, गंदा ला के चंगा पाला, शिंदे पुत्रा रोटी खाला, मिठियां मिठियां बातां पाला। क्योंकि इन्नी अंदर लगान होंदी है, मां ते ठंडी छां होंदी है, मां ते आखर मां होंदी। पर मां जिन्हां दी मर जांदी है वह दुनिया सुन्नी कर जांदी है। रोंदे फिरदे फिरन न्याणे, तरस जांदे ने भुखण भाणे, अपने भी फिर लगन बगाने। मां दी घाट फिर तां होंदी है, वो मां ते ठंडी छां होंदी है, मां ते आखर मां होंदी। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी एक गल लिखते करना गीते कर तू की लिया कर जिस हर हो रे नाराजी उस हाय अंदर बीबा जी लिया कर जेकर दौलता शौरता दी लोड़ तो पैर तो के मां दे पी लिया कर पैर तो के मां दे पी लिया। ममता मां दी पुत्र नू जन्म देवे, बड़ियां दुख तकलीफां सहार दी मां। आप भुखियां बैठ के समा कढ लैंदी, बच्चियां ताईं रज खवाल दी मां। भावे घर च गरीबी दा खूह होवे, भावे घर च गरीबी का खूह होवे, कदे नहीं कहिंदी मेरा गरीब पुत, मेरा राजा पुत, मेरा राजा पुत कह के वाजा मार दी मां। उह सारी उम्र सेवा विच ला दिंदी, सेवा विच भी कदे ना हार दी मां। उह चौधरपुरिया कि मां नूं भुल ना जावी, रब बन के वक्त गुजार दी मां। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी जिथे माता जी का देहांत होया, कहिंदे अजे 7 साल की एज होई आ ते पिता जी भी अकाल चलाना कर गए। जेडे मावां मां प्यो ने बच्चे नूं रीझां दे नाल पाल के जवान करना सी ना, अज माता पिता का साया उठ खलोता। 4 शरीरां ने सारी किरिया नूं सोध के मोढा दिता, हरिदास नूं जाके चिखा दे उत्ते लटा दिता। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी इक खेड ते खलोते हुए ने, बापू की चिखा नूं तक रहे ने। उस दर्द नायक सीनदास की कलम ने लिखण का यतन किया, बड़े प्यार कार्य नाल सरवण करन का यतन करो। उन्हां लैणां नूं मेरे ढाडी सिंह इहो कह रहे।
धन ओ बंदा जिहड़ा काम धंधा करदा वी लेखे विच लाई जांदा अपना एक एक सवास आदियां ब्यादियां उपाधियां दे नेड़े आउंदे दूर दे दुख नेड़े ढुकदे ना पाक पास धन जवान जिहदे विच बार बार निकलदा ए धन गुरु रामदास धन गुरु रामदास। भाई जेठा जी सौंदे ते नींद ना आवे लगे पापी पेट नूं सी भुख सतावे लंबी हो गई रात सी ना मुकण आवे रब भी परछे पावदा दुख डाढे लावे किस नूं जाके अपना वह हाल सुनावे पर करे भरोसा रब ते सी नाम ते आवे ओ चौधरपुरिया उहदियां उही जाणदा कोई समझ ना आवे। पिता जी दे देहांत तों बाद विच इतिहास बड़ा लवेरा है कई बार तुसीं सुणिया नानी जी ने बासर के लै आंदा गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे नाल मिलाप होया। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने भाई जेठे दे अंदर नूं पढ़िया ते नानी जी नूं बेनती कीती भैणा इन्हां नूं गोइंदवाल साहब की धरती ते लै आयो जिथे बासर की धरती दे उत्ते छाबड़ी लाई जाके गोइंदवाल साहब जी की धरती दे उत्ते जाके छाबड़ी ला दिती दसनहां दी किरत करदे ने नाल नाल गुरु घर दे विच बौली दी सेवा करदे ने कहिंदे सेवा जही ना जग ते चीज कोई सेवा तुरंत रब ना मिला दिंदी है करे मुश्किलां सारियां हल सेवा सेवा सूई ते सूल बना दिंदी है हथ चंगे दान ते करन सेवा मैल जन्मा जन्मंतरां दी लहाव दी है अकन चंगे गुरां दी सुणन बाणी बाणी सच दा मार्ग दिखाउण दी है चौधरपुरिया सेवा है सफल होंदी जिहड़ी सच्चे दिलों कीती जांदी। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दी सेवा नूं मुख रखदिया होया गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने अपनी बच्ची दा बेबी भानी दा रिश्ता कर दिता इत्थों तक कि विआह कर दिता तो समा पा के उन्हां दी उदर दे विचों तीन पुत्रां ने जन्म लिया बाबा पृथ्वी चंद बाबा महादेव जी ते धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी एक बने किरत करदे ने नाल सेवा करदे ने सेवा नूं मेवा लगन लगा। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दीआं दो बच्चियां सन एक दा नाम सी बीबी दानी एक दा नाम सी बीबी भानी। बीबी दानी जिहड़ी सी ओह रामा जी नाल विआही सी ते बीबी भानी जिहड़ी सी ओह गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे नाल विआहे होए सन दोनों की सेवा बड़ी सी। हुण गुरु नानक दे घर दी परख होण लगी है ते नाल ही गद्दी ते महाराज सच्चे पातशाह जी भाई जेठी नूं गुरु रामदास जी बनाउण लगे ने। दास दी कलम ने लिखण दा यतन कीता बड़े प्यार ते सत्कार दे नाल परख होण लगी है गुरु अमरदास सच्चे पातशाह नूं परख कर रहे ने। दास दी कलम ने लिखण दा यतन कीता बड़े प्यार ते सत्कार दे नाल सबल करन दा यतन करो उहनां लैणां नूं ढाडी सिंह क्यों Oh,
रामा जी नूं कहा तुसीं थड़ा बनाओ, एक बंदे भाई जेठा जी नूं कहा तुसीं थड़ा बनाओ। दोनों ने थड़े बनाए। शाम नूं गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी आए पहला भाई जेठे जी कोल, सिर फेर दिता भाई जेठिया, जिदा का कह के गए सी उदा का नहीं बने। रामा जी बड़े खुश होए। सरीका सी जदों गुरु अमरदास जी भाई रामा जी दे कोल गए ना, रामा जी ने भी कह दिता, रामा जी ताडा थड़ा बड़ी ठीक बने, सच्चे पातशाह बड़िया रीतां ने बनाया, जिदा का कह के गए सी उदा का बने। सवाल जवाब महाराज कहिंदे ढादो, ढाया तो सही पर गाड़ी किंतु परंतु कर। दोनों ने थड़े ढा दिते। दूसरा दिन फिर चढ़िया, महाराज कहिंदे फिर बनाओ। महाराज सच्चे पातशाह के हुक्म के नाल दूसरे दिन थड़े बना रहे हैं। दस दे ढाडी सिंह उन्होंने क्यों पेश कर। दूसरे दिन आए भाई जेठे के कोल, फिर चले गए भाई जेठिया, जिदा का फिर दस के दे सी उदा का क्यों नहीं बनाया। सच्चे पातशाह मत थोड़ी ढा दे, ढा दे। भाई रामा जी के कोल चले गए। भाई रामा जी कहन लगे, सच्चे पातशाह अज बहुत ज्यादा प्यार दे नाल बनाया, मन ला के बनाया, तो कल नालों भी वधिया बनाया। महाराज सच्चे पातशाह जी ने फिर सिर फेर दिता। रामानंद जी गाड़ी सवाल जवाब करने शुरू कर दिते। सच्चे पातशाह पता तो तुहानू नहीं लगता, जिदा का तुसीं दस के गए सी उदा दा ही बनाया। महाराज कहिंदे ठीक नहीं बनाया, ढा दिओ। ढाया तो जरूर दूसरे दिन भी इसे तरह किया। महाराज फिर तीसरे दिन परचा पा रहे हैं। दस दे ढाड सिंह उन्होंने इउं कह रहे, इतिहास कहते कि तीन बार ये परख हुई है। गुरु नानक के घर के भी परख हुई है। भाई गुरदास जी ने लिखा, सिखा पुत्रा घोख के सब उम्मत वेख्यो जे क्यों, जां सुध सता लैणा टिक्यो। गुरु नानक पातशाह जी ने जो आखिरी बार भाई लैणे की परख की ना, महाराज जंगल नू गए ने, मगर मगर सिख ने भाई लैणा जी भी नाल। गुरु नानक पातशाह जी कहन लगे, वापस मुड़ जाओ, सारे वापस मुड़ जाओ, अपने घरां नू चले जाओ। सारे वापस मुड़ के थोड़ी अगे गए तो पिछे भाई लैणे नू पाया। महाराज जी कहते, भाई लैणा तैनू नहीं सुनिया, असी कहा सी सारे अपने अपने घरां नू चले जाओ, तुसी फिर मेरे पिछे आ गए। भाई लैणे जी ने पता की किया, गुरु नानक पातशाह जी के चरणों के शीस रख के कहा, मेरा तो घर ही कोई नहीं है, जो कोई घर है तो फिर चरणों के लैणे तो अंगद बना दिता सी मेरे गुरदेव पातशाह जी। अज भाई जेठा जी की भाई रामा जी की परख हो रही, तीसरे दिन भी फिर थड़े बनाए गए। महाराज सच्चे पातशाह जी ने
हुण तीसरी बार पहला भाई रामा जी दे कोल गए। भाई रामा जी ने कहा, भाई रामा जी जिदा का दस के जाते जो थड़ा उदा का क्यों नहीं बनाते? महाराज सच्चे पातशाह मेरे को नहीं बनता, जिद को मर्जी बना। हम भाई जेठे दे कोल जा रहे हैं, भाई जेठे दे कोल जा के की कह रहे हैं, बड़े प्यार नाल सुनता सुनता जतन। पवित्र धरती के उत्ते गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने प्रीख्या लैके पास कर दिता ते नाल बचन कर दिता। अगों चौथी गद्दी के वारस गुरु नानक पातशाह जी के घर की गद्दी के वारस भाई जेठा जी गुरु रामदास जी होण नाल 6 साल 11 महीने 19 दिन एज दिती। नाल श्री अमृतसर साहब की धरती की पावन पवित्र धरती बख्शिश की जिहड़ी अकबर बादशाह गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी के नाम कर गया से। इस सारी जायदाद दे के गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने भाई जेठे दे कोलो मोहरी गढ़ाई, फिर उस नगर का नाम रख्या गुरु रामदास चक। अज उस स्थान का नाम है श्री अमृतसर साहिब। पावन पवित्र धरती है सचखंड श्री हरिमंदर साहब की। दास उहदे दर्शन कराउण लगा, सिर्फ 5 मिनट आप जी दे मैं लैणे ने, 10 मिनट मेरे कोल रह गए। गुरु कृपा करे, महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करन, संगतां नूं बेनती है कि जिहड़ियां पिछे बैठियां ने सामने गैलरी है, इह गैलरी दे उत्ते बैठण दी कृपालता करन। बहुत बहुत धन्यवाद है समूह सारी संगत का जिन्होंने आके साडे नगर नूं पवित्र कीता, चरण पाए ने, बेअंत संगतां इतिहास नूं मान करके गई। मैं गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे चरणों के अरदास करा, जे मैं कल्ले कल्ले का नाम लैन लगा ना समा इत्थे निकल जाना। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे चरणों के अरदास करदा, सच्चे पातशाह तेरा जस कर रहे हैं नमाणा जा जथा जस कर रहे हैं, जिस भी मनोकामनावां भावनावां करके संगत मान करके दिया, कृपा करो दरों करो गुरु सिखी दिया दाता, नाम दिया दाता, कमाइया च बरकता, तंदुरुस्ती दाता बच के निहाल करो, चढ़ती कला च रखियो। आओ सचखंड श्री हरिमंदर साहब के दर्शन करिए, बड़े प्यार के सत्कार के नाल मन बत्तियां लै चलिए सचखंड श्री हरिमंदर साहब नूं। उन्हां लाइनां नूं मेरे ढाडी सिंह इउं कहे पंगी
जिन्होंने समा दे के नवाजा साढ़े बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब जी ड्यूटी सिंह जी इस नगर के उत्ते बड़ी उन्होंने कृपा वा जिन्होंने साडे नगर के नौजवान अमृत रूपी गुरबाणी के नाल जोड़िया साडे सत्कारयोग साडे नगर के वीर जी मेरे भाई साहब जी हीरा सिंह जी बाबा जी ड्यूटी सिंह जी होना दे नाल मिलाप होया प्यार बनिया विचार कथा सरवण की साढ़े नगर के उत्ते साढ़े नगर के आन के भाई साहब जी होना ने भी कथा की इन्ना प्यार बन गया कि बाबा हीरा सिंह जी की ड्यूटी ला दी कि अपने नगर के बच्चियां नू बच्चियां नू बीबियां नू बजुर्गों नू इस स्थान के उत्ते सद के नाले संथ्या कराते हैं नाले सिमरन कराते ये बेनीफिट साढ़े सानू मिलिया जिहड़ा रोजाना इत्थे सिमरन होंदा सो गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी की कृपा दे नाल हर साल ही जिथे समागम होंदा सी साडे बहुत ही सत्कारयोग मास्टर जी जसविंदर सिंह जी अगे लग के बड़े प्यार ते सत्कार दे नाल पाल सिंह जी वीर जी बैठे हुए ने हरपाल सिंह जी बैठे हुए ने बाबा हीरा सिंह जी भाव के सारे प्रबंधक जन अगे लग के मोढ़े नाल मोढ़ा ला के सारे नगर के नाल सारा नगर भी साथ दिंदा ते समागम कराउंदे ने जिहदी बरकत जिहदा बेनीफिट असीं कल वेख्या कि परसों वेख्या जदों साढ़े इस स्थान दे उत्ते नगर के छोटे छोटे बच्चों ने कीर्तन किया तो बड़ा ही आनंद आया गुरु कृपा करे ये नगर सदा ही चढ़दी कला च रहे ते जिहड़ियां बाहरों आईयां संगतां उन्हां दी उडीक करदा रहे इस तरह उन्हां दी जोड़ी झाड़दा रहे इन्नी सेवा प्रवान करो दास दा साथ दे रहे दास दे दोनों सपुत्र ने गुरसेवक सिंह जी सागर गुरकीत सिंह जी सरंगी वादक करमदीप सिंह जी गुरदासपुर तो एको कॉलेज दे विच पढ़दे ने सो दास ढाडी सलखण सिंह जी पिंड चौधरपुर वाले दा नमाना दा जत्था ये आप जी का जत्था है गुरु कृपा करे इतिहास कहिंदे आ बेअंत गलती
मैं गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के चरणों च अरदास करा। बेअंत मेरिया मातावां ने, मेरिया भैणां ने, मेरे वीर ने मान किया। सतगुरु जी इन्हां नूं चढ़दी कला च रखण, हर मनोरथ पूरे करन। एक बारी सारी संगत की चढ़दी कला वास्ते कह दिए, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबदा भला। बाहर बैठिया संगतां दे चरणां च बेनती है, एक बड़े अदब ते सतकार दे नाल सारी गैलरी वेली है, इत्थे आ के बैठन की कृपालता करन। हुण बड़े ही सतकार दे नाल भाई साहब जी ड्यूटी सिंह जी आप जी नूं गुरबाणी दे नाल कथा विचारां दे नाल जोड़नगे, सरवण कराउणगे। बड़े अदब ते सतकार दे नाल इसे तरह बैठे रहना। सो आओ फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।